ऐसे ही और एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। मैं आज आपके उन सवालों के जवाब देने आया हूँ जो कल मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसको लेकर के आपने काफ़ी सवाल पूछे थे कि उमेश शर्मा आप कैसे झूठ बोल सकते हो, क्योंकि हमारे जो टॉप जो रैंकर्स हैं, मतलब ऐसे चैनल जो कि इंडिया के लेवल पर रखते हैं और अपने आप को बहुत टॉप लेवल का बताते हैं, उन्होंने तो ऐसे बताया कि ग्रुप डी पहले होगा और एनटीपीसी बाद में होगा। उन्होंने तो यहाँ तक भी बता दिया है कि जो कंपनी है वो भी फाइनल कर दी गई है, टीसीएस फाइनल कर दी गई है। तो दोस्तों इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहता हूँ। देखिए बात इतनी सी थी ना, उनको बताना था तो बात इतनी सी थी, 3 मिनट की बात थी, 2 से 3 मिनट की। जो बात मैंने भी आपको बताई है कि ये एग्ज़ाम में ग्रुप डी पहले होगा या मैंने बोला कि बाद में होगा, उन्होंने बोला कि पहले होगा, इतनी सी बात करके बस स्टूडेंट को बता देना चाहिए था। तो भाई एक बात बताओ, उस 3 मिनट के वीडियो को 16 मिनट तक खींचने की क्या ज़रूरत थी? ठीक है, मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा, पहले ये बताइए। पहले आगे इसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ने से पहले मेरी बात सुनिएगा, वीडियो के एंड तक देखिएगा, अगर आपको सच्चाई जाननी है ना तो पूरी बात सुनिएगा। पहली बात तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, इस टाइम पे वीडियो बना रहा हूँ, मेरी घड़ी में 3:50 हो रहे हैं, क्योंकि मैंने आज दिन भर भी इस चीज़ का वेट किया। मैंने सेंट्रल रेलवे जितनी भी वेबसाइट है ना सब पे जाके ट्राई किया, अभी तक दोस्तों ऐसी कोई ऑफिशियल या किसी भी कहीं से भी ऐसी न्यूज नहीं है कि कंपनी को फाइनल कर दिया गया है। तो उस चैनल के पास कहाँ से न्यूज आई है? उनसे जब ये पूछा गया कि आपके पास न्यूज़ कहाँ से आई, तो कमेंट बॉक्स मैंने भी जाके देखा या कहीं ने मुझे बताया कि सर हमें ये हो रहा है कि आपको न्यूज़ से मतलब है, तो ये अगर कंफर्म है, हो सकता है कि ऐसा हो। आज अभी 1 घंटे बाद मैं वीडियो अपलोड करूँ, पूरी बात सुनिएगा, उसके बाद TCS फाइनल हो जाए वो अलग बात है, लेकिन अब तक जब ये वीडियो उनके द्वारा कल अपलोड हुआ था तब तक TCS कंपनी की कोई फाइनल सिलेक्शन की कोई बात नहीं आई थी। यार इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो इस बात को कन्फर्म करें क्यों? अगर उन्होंने ये बात बतानी थी चलो बता दी, और मेरे तो चलो मैं तो एक छोटा मोटा आदमी हूँ यार, कि 30-31 हज़ार सब्सक्राइबर है तो मैं झूठ बोल के भी कहाँ जाऊँगा? तो मुझ पर तो आप कमेंट कर सकते हो कि तू झूठ क्यों बोल रहा है। यार बात करनी है तो वहाँ से पूछो, इससे पहले के 6 दिन पहले का वीडियो देखो, वहाँ पे बंदा NTPC के एग्जाम करवा रहा था क्योंकि वहाँ पे NTPC का क्रेश कोर्स बेचना था। ठीक है, आज NTPC का नहीं बिक रहा या बिक गया होगा तो उसके बाद में आज ग्रुप डी के एग्जाम करवा रहे हैं क्योंकि आज ग्रुप डी का क्रेश कोर्स बेचना है। 3 मिनट की सिर्फ इसमें 1 से 1.5 मिनट बात की गई थी, लास्ट 2 मिनट बात की गई थी कि ग्रुप डी एग्जाम पहले होगा और TCS फाइनल, उसके बाद में 13 से 14 मिनट है ना सिर्फ कोर्स की बात बताई गई थी कि कौन से शेड्यूल में कौन सा है। तो यार आप समझते नहीं हो कि दिमाग नहीं है क्या आपके अंदर? ठीक है, मानता हूँ आप छोटे मोटे लोगों पर तो आप कमेंट कर सकते हो, पता है अपने समाज में एक कुरीति क्या है, जब कोई बड़ा और कोई पैसे वाला इंसान है ना, अगर फटा पुराना पैंट और कपड़े पहन के घूमता है ना तो अपन पता है क्या बोलते हैं, यार फैशन है। और वही चीज़ अगर एक गरीब आदमी पहन के घूमता ना, अपन उसको गालियाँ देते कि फटे पुराने आ गया, भीख मांगने आ गया, कुछ मांगने आ गया। यार क्यों अपन उस चीज़ से बाहर नहीं निकलते? क्यों? आज मेरे सब्सक्राइबर अगर मिलियन होते मैं कुछ भी बोलता तो आपकी औकात नहीं थी कि आप मुझे कुछ भी कमेंट कर सको, कि मुझे कुछ बोल सको? और वहाँ पे मिलियन सब्सक्राइबर है तो चाहे कोई झूठ भी बोले, आज से 3 महीने पहले आज देश के सबसे बड़े जो भी चैनल बताते हैं अपने आप को, उन्होंने NTPC का स्टेटस जारी कर दिया था। कहाँ है वो स्टेटस बताओ? आपकी औकात है तो वहाँ से जाके बात करो, उनसे पूछो जा करके कहाँ है वो स्टेटस। यहाँ छोटे मोटे यूट्यूबर को आप अगर कोई सच्चाई बताना चाहता है ना, उनको तो आप जाकर के ये बोल देते हो कि क्यों फेंक रहा है, स्टूडेंट के साथ क्यों गुमराह कर रहा है। भाई आज तक जो बात बताई है ना मैंने सच्चाई के साथ बताई। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर ग्रुप डी आप बोल रहे हो कि ग्रुप डी पहले होगा और कल को अगर शाम तक रात तक भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो ऑफिशियल होगा ना, उस चैनल की बाप का राज है ना मेरे बाप का राज है। कोई बोलता कि क्यों तेरा कोई रिश्तेदार है क्या? मेरा नहीं लेकिन उनका भी रिश्तेदार नहीं है। यार मैं सच्चाई बोल करके कौन सा आपसे कोई पैसे ले रहा हूँ, आपसे कौन सा कोर्स बेच रहा हूँ? मैंने ये कहा कि आप चैनल देखो तो मेरे को पैसे मिलेंगे, लेकिन वहाँ तो आपको साफ साफ पैसे मिल रहे हैं ना, आप चाहे ऐप से पढ़ो चाहे कहीं से भी पढ़ो इतने पैसे दो। यार सच्चाई को समझो, अपनी स्टडी पे ध्यान दो। चलो आज मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको मुझ पर भी विश्वास नहीं है ना कि चलो मैं झूठ बोल रहा हूँ आपको, तो आप तैयारी तो करो कम से कम। ठीक है, मैंने इतनी वेबसाइट चेक की है, आज मैं सुबह से लगा हुआ हूँ, कल से दिमाग खराब है कि यार सच बोल के मैंने गलती कर दी क्या। इतनी वेबसाइट चेंज की, कहीं पे भी मुझे ग्रुप डी के ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि ग्रुप डी का ये शेड्यूल दे रखा। हाँ NTPC का जरूर मिल रहा है कि ये नवंबर लास्ट में और दिसंबर में हो सकती है, जो मैंने बोला है। अगर ग्रुप डी वालों को अभी भी आपको विश्वास नहीं है ना, मैं कुछ नहीं कर सकता यार। अगर आप लोगों को बहकावे में छलावे में विश्वास होता ना तो आप बिल्कुल मानिए, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी बात मानिए, मैं छोटा मोटा आदमी हूँ यार।
ठीक है। अगर शाम तक भी ऐसा कुछ होता है, मैं कम्युनिटी में जाके पोस्ट करूंगा कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, तो वो मेरी गलती नहीं है, वो रेलवे बोर्ड का डिसीजन है। कि जैसे ही कोई कंपनी डिसाइड होती है ना, वो कंपनी डिसाइड करेगी यार, कंपनी को देते ही वो क्या 10-15 दिन बाद में एग्जाम करवा देगी। कम से कम ये रूल बनता है कि 15 से 20 दिन पहले आपको स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है। आज पैरामेडिकल की भी एग्जाम हुई, इससे 15 से 20 दिन पहले एक नोटिस आया था। अगर ग्रुप डी भी होगा तो नोटिस तो आता, अगर अक्टूबर में एग्जाम होगी तो आज 5 तारीख हो चुकी है, तो कम से कम 15 से 20 से 25 होगी, तो अब दिवाली कौन कराएगा? फिर दिवाली के अंदर एग्जाम करवाएंगे वो लोग? देखो मुझे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए यार, लेकिन आई एम सॉरी यार, लेकिन बुरा लगता है। आप लोग किसी चीज़ पे ट्रस्ट नहीं करना चाहते, सच्चाई को समझना सीखो यार। आप बड़े हो गए, आप ग्रेजुएट हैं, आप कई लोग ऐसे भी कि जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। आप किसी को बोलने से पहले 10 बार सोचा करो यार, वहाँ आपके कमेंट पे कोई ध्यान नहीं देता, चाहे आप बकते रहो, यहाँ एक एक कमेंट का फर्क पड़ता है यार। आप अच्छा बोलते हो तो अच्छा लगता है, बुरा बोलते हो ना तो डीमोटिवेशन होता है कि यार अपन अच्छा कर रहे हैं फिर भी ये चीज़ मिलता है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे दुख इस बात का होता है कि आप पढ़े लिखे इंसान हो यार, उस चीज़ को समझने की कोशिश करो। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, चाहे शाम को भी अगर ग्रुप डी आता है तो मैं बताऊँगा यार। इसमें ये नहीं है कि मैंने कोई फाइनल कर दिया, मैं कोई बोर्ड का मेंबर हूँ, बोर्ड का कोई सदस्य हूँ, लेकिन सच्चाई को समझो, अपनी तैयारी पे ध्यान दो। ऐसे लोग सिर्फ अपनी कमाई के लिए होते हैं, मैं उनके लिए तरह नहीं हूँ यार। वो तो रोने लग जाते हैं हर बार, आज तक जब भी आज तक कुछ भी बिकाना नहीं बिकेगा तो भी रो के दिखा दे स्टूडेंट्स को, मेरी हेल्प करो। मैं आज तक कभी किसके आगे रोया हूँ, गिड़गिड़ाया हूँ कि मेरी हेल्प करो? जो हूँ यहाँ दम पे खड़ा हुआ हूँ। आज मैंने वीडियो देखा, उसमें मैंने एक कमेंट देखा कि आप तो कमा रहे हो, मैं तो कमाऊँगा, आपको ऐसा लगता है तो मत खरीदो। तो ये कोई तरीका नहीं होता यार, मैं इस तरीके से बात नहीं करता, जिसका मतलब आप लोग ट्रस्ट नहीं करोगे। अगर नहीं ट्रस्ट है ना, तो अभी के अभी चैनल को डिसलाइक करो पहले तो आप इस वीडियो को, और चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो। और जो मन में आया ना वो यहाँ बोलना, मुझे अच्छा लगेगा कि इस देश में कितनी सच्चाई है, ठीक है। अगर आप में दम है ना, और आपको ये बातें अगर सच्चाई समझ में आती है ना, तो जहाँ से धुआं उठी थी ना, वहाँ तक इस आग को वहाँ तक पहुँचा देना। इसे शेयर करना, इसलिए इसलिए नहीं कि मुझे कुछ चाहिए, लेकिन वहाँ इस चीज़ का जवाब मिल सके कि दोबारा ऐसा ना हो। यार हर बार क्रेश कोर्स करवा करके आप पैसे ऐंठ लो और बच्चा रोता रहेगा, गलती यही है ना मेरी? ठीक है यार, मेरी गलती है, अब मानना है तो मानो, नहीं मानना कोई बात नहीं, जो एग्जाम होगी वो देते रहना, ठीक है। सभी तभी फाइनलाइज कर सकते हैं, तभी बोल सकते हैं जब कुछ ऑफिशियली हो। किसी वेबसाइट पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर अब 5-6 बजे कुछ भी होता है ना, तो उसके लिए मैं भी जिम्मेदार नहीं हूँ, तब मैं बताऊँगा आपको। लेकिन अभी तक जो था ना, वो मैंने चीज़ बताई है, मैं किसी को कॉपी नहीं करता। मैं चाहता तो कल की वीडियो में मैं आपको वो रिकॉर्डिंग और ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करवा सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। मेरे वीडियो अपलोड होते ही दूसरे चैनल पे उसकी वो रिकॉर्डिंग और वो सब चीज़ें आई, जो कि वो स्टूडेंट जिसने मुझे प्रोवाइड करवाया तो उसने भी वहाँ प्रोवाइड करवाया, लेकिन मैंने उस स्टूडेंट का आपको कम्युनिटी में डाला, उसका नाम तक नहीं दिखाया, मैंने उसको हाइड करके रखा, क्योंकि प्राइवेसी होती है, मैं किसी को कॉपी नहीं करता हूँ, जो बोलता हूँ ना सच्चाई के साथ बोलता हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है यार, अपने फ्यूचर को एक सही मोड़ दीजिए, विश्वास बना के रखिए। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यार कि मैं ये सब चीज़ें कमाई के लिए नहीं करता हूँ, मैं अच्छाई के लिए करता हूँ। अगर आपको विश्वास है ना, कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि अब भी आपको डाउट है क्या। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आपको जो ठीक लगे वो करना, बस इतना ही बोलना था यार। आपके प्यार के लिए और सहयोग के लिए, आप चाहे गुस्सा करो चाहे प्यार करो, मेरे लिए वो भी है कि आप कम से कम यह रिप्लाई करते हो, यहाँ कुछ ना कुछ बोलते, तो आपका दिल से आभार, थैंक यू सो मच। अभी के लिए इजाज़त दीजिए मुझे, जय हिंद जय भारत। ऐसे ही और एजुकेशन वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ।